अस्सलामुअलैकुम। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो है गाइस, वो कोई किसी ऐप के ऊपर नहीं है, कोई ट्यूटोरियल नहीं है, कोई यूट्यूब के रिलेटेड नहीं है, बल्कि आज की जो वीडियो है वो है हमारे उन भाइयों के लिए जो इस वक्त बहुत मुसीबत में हैं और बहुत ही परेशानी में हैं। ये वीडियो है स्पेशली सैलाब जदगान वालों के लिए। मुझे जो है वो बहुत ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इस वक्त जो हमारे पाकिस्तान के हालात हैं, जो कि अभी सैलाब वालों के ऊपर जो अभी इस वक्त मुसीबत आई हुई है, एक वो मुसीबत तो चलो एक कुदरती तौर पर है, लेकिन उसका हल जो है वो हमारे और आप जैसे इंसानों के पास है। बस फ़र्क सिर्फ इतना है, समझने के लिए जो है थोड़ी सी सेंस की ज़रूरत है, थोड़ी नॉलेज की ज़रूरत है और थोड़ा सा इस तरफ ध्यान करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, अभी इस वक्त जो हालात चल रहे हैं वो आप खुद ही देख सकते हो, स्क्रीन पर आपको इस वक्त शो हो रहा होगा कि क्या हालात चल रहे हैं। और एक जगह पे नहीं, बहुत सारी जगहों पर जो है सैलाब आया है, जिसमें तौंसा शरीफ, ठीक है, और सक्खर, सवाद, बलूचिस्तान, सैलाब के हवाले से जो है अलर्ट कर दिया गया है कि वहाँ पर भी ख़तरा है और सैलाब आ सकता है। ऐसे बहुत सारे ऐसे शहर हैं, ऐसे बहुत सारे गांव देहात हैं जहाँ पर अलर्ट कर दिया गया है। तो मेरा सिर्फ ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद है, मैं थोड़ा लेट बना रहा हूँ उसके लिए माजरत है, लेकिन टाइम की शॉर्टिंग थी इस वजह से। मगर मेरा मेन मोटिव जो है ना वीडियो बनाने का, वो सिर्फ इतना है कि आप लोग जो है अगर आप लोग इस काबिल हैं कि आप उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं, उनकी हेल्प आप कर सकते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें। और इस वक्त जो है पाकिस्तान में काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो नॉर्मली हैं, जिनके यूट्यूब चैनल भी अगर हैं तो मतलब उसमें सब्सक्राइबर जो हैं वो गिने चुने हैं, 5,000, 6,000, 10,000। वो लोग आगे बढ़कर यार मतलब उनकी हेल्प कर रहे हैं। आप ये देखो कि वो लोग हेल्प कर रहे हैं, और जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं ना यूट्यूबर्स, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, मैं ऑल टू ऑल सबकी बात कर रहा हूँ, मैं सबकी बात कर रहा हूँ कि उनके पास मिलियन ऑफ सब्सक्राइबर हैं, लेकिन फिर भी वो इस तरफ अपना ध्यान नहीं दे रहे हैं। और मैं यही उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई आप लोगों को मंथली अर्निंग जो है, आप लोग माशाल्लाह बहुत ज़्यादा करते हो, तो उसमें से अगर थोड़ा बहुत इनको दे दोगे तो भाई इससे कुछ नहीं हो जाएगा, आपकी अर्निंग में और ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। तो दोस्तों, आप लोग जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लो इसमें, और कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सको, और इनके ऊपर जो ये परेशानी और आफत आई हुई है, जो मुसीबत आई हुई है, वो ख़त्म हो जाए। और इस वक्त माशाल्लाह से हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे लोग जो हैं इनकी इस वक्त कैंपिंग कर रहे हैं, और जगह जगह पे हमारे जो है कैंप लग चुके हैं, जो कि लांडी 6 नंबर पर और 6 नंबर मार्केट में, इसके अलावा 5.5 नंबर पर, 2.5 नंबर पर, तो मतलब हर दो दो कदम पर जो है कैंप लग चुके हैं। और इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, और जिनकी जितनी तौफीक है उतनी वो उनकी हेल्प कर रहे हैं, चाहे वो पानी की बोतल से लेकर आटे तलक, आटे से लेकर चीनी तलक, चीनी से लेकर मतलब पूरा राशन, जिसकी हैसियत है तो वो पूरा राशन दे रहा है, और जिसकी जितनी हैसियत है ना वो उतना कर रहा है। लेकिन हेल्प तो हेल्प होती है ना, सवाब सवाब होता है, चाहे आप 1 रुपये का करो या 1,00,000 रुपये का करो, सवाब जो है आपको उतना ही मिलेगा। तो इसलिए जो है आप इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लो और उनकी परेशानी को दूर करो। अभी काफ़ी सारे हमारे यूट्यूबर भी हैं जो इसमें आ चुके हैं, और वो अपनी वीडियोस में यही सबको मैसेज दे रहे हैं, तो ये मैं उनको जो है अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि वो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर हम जो अपनी एक वीडियो बनाते हैं साइंस के रिलेटेड, टेक्निकल रिलेटेड, एजुकेशन के रिलेटेड, या व्लॉग बनाते हैं, तो अगर अभी हम वो छोड़कर और एक इनको अच्छा मैसेज दे रहे हैं अपनी ऑडियंस को, तो मेरी नज़र में ये बहुत अच्छा है, और वो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उनको फुल अप्रिशिएट करूँगा। और मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि आप लोग थोड़ा इस तरफ ध्यान करो,
और उनकी हेल्प करो। वो भी हमारे मुसलमान भाई हैं जो इस वक्त मुसीबत में फंसे हुए हैं, तो आप लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लो, उनकी हेल्प करो और उनके ऊपर से जो है ये मुसीबत को हटाओ और दूर करो। और आखिर में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि इसका सबसे ज़्यादा क्रेडिट जो है ना हमारी पाक फ़ौज को जाता है, जो कि इस वक्त बहुत ही उम्दा और बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रही है। अगर हम उनकी मेहनत की बात करें तो जितनी मेहनत वो लोग करते हैं इतनी एक आम इंसान कर ही नहीं सकता, बल्कि करना तो दूर की बात है, सोच भी नहीं सकता। तो वो लोग भले पानी जितना भी ज़्यादा क्यों ना हो, मगर वो लोग उनकी हेल्प करते हैं और उन तलक पहुँचते हैं, उन तलक राशन पहुँचा रहे हैं, उन तलक उनकी खाना पहुँचा रहे हैं, ग़िज़ा। और मुझे जो है ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि भाई देखो हमारी पाक फ़ौज जो है सबसे पहले मुसीबत में सबसे पहले पहुँचती है। और इसके अलावा जो है एक यूट्यूबर और हैं जिनका तो मैं नाम भी रिवील ही करूँगा कि वो इस वक्त बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मैंने उनके जो है जब उनकी एक वीडियो मैंने ये देखी है सैलाब से मुतालिक, तो मैंने उनके चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कर लिया है और मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ, अब उनकी सारी वीडियोस मैं देख रहा हूँ। तो यार ये बहुत बड़ी बात होती है कि मतलब सैलाब वालों के लिए इतना सब कुछ करना। तो उनका नाम है मुस्तफ़ा हनीफ, वो व्लॉग शूट करते हैं, व्लॉग वीडियोस बनाते हैं, लेकिन जब से सैलाब आया है इन लोगों पर जो मुसीबत आई है सैलाब के रिलेटेड ही वो वीडियो बनाते हैं, और रात को 2-2 बजे निकल कर जा रहे हैं अपनी पूरी टीम के साथ, उनकी हेल्प कर रहे हैं और ख़ुद भी बहुत सारी मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, जिसमें बारिश अचानक से तेज़ हो जाती है, तो फिर भी वो अपना काम जो है बाखूबी निभा रहे हैं। यार उनको मैं अपनी तरफ से जो है ना मतलब सैल्यूट करता हूँ यार, ज़बरदस्त, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो मुस्तफ़ा हनीफ साहब, आपको मेरी तरफ से जो है सैल्यूट है। बाकी आप लोग जो है दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मेरा मैसेज जो है आगे से आगे लोगों तक पहुँच सके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को भी लाइक कर देना, और अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब किए बगैर जाना नहीं। तो मैं ऐसी आगे भी और भी इसी रिलेटेड वीडियो लेकर आऊँगा, तो मिलते हैं फिर किसी और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।